जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने सोमवार दोपहर विश्व हिंदू परिषद नेता भीरूलाल टांक एवं मयूर उर्फ मोनू टांक को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद नेता की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही शहर में फैली हिंदुवादी संगठनों के नेता कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी सड़क पर उतर आई। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दिया। गौरतलब है विगत दिनों 30 नवंबर को प्रकाश नगर में रूबाबुद्दीन व भीरूलाल टांग समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में अचानक हुए संघर्ष में रूबाबुद्दीन व उसकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने भीरूलाल टांग सहित 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। आरोपियों में मध्य प्रदेश कामगार बोर्ड अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के पुत्र मोती सिंह व लक्ष्मण सिंह को भी आरोपी बनाया, जिन्हें पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान दोनों मौके पर ही नहीं थे। इसके अलावा 25 अन्य के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ था। अब कोर्ट में चालान के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस जांच में कौन कौन लोग दोषी पाए गए हैं। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। इधर आ जाइए, हाथ ऊंचा मत करना।
जा। Thank you.
अरे कोई नहीं आएगा, सबसे निवेदन है हमारे अपन यही खड़े रहेंगे। बस बस धक्का मत, निवेदन है अपन यही खड़े रहेंगे, सब लोग यही रहेंगे। थोड़ा खसक के पीछे, बस 10 मिनट की बात है, अपन यही रहेंगे। अनुशासन में रहे अपन, सबका जो आपका धैर्य है। एक मिनट, सोहन जी विश्वकर्मा भाई साहब हमारे बीच में है, हम कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं। ऐसा है, ये कानूनी कार्रवाई है, जो भी हुआ उसको अपन भूले, संगठन आगे की रणनीति बनाएगा। अभी भैरूलाल जी गिरफ्तारी हम देने आए हैं, इसलिए कानून का पालन तो हमको करना ही होगा। गिरफ्तारी भैरूलाल जी, अभी अजय अभी केवल भैरूलाल जी की गिरफ्तारी है, इसलिए हम सबको इतना एक्साइटेड उत्साहित नहीं होना चाहिए। अनुशासन में रहकर के अपन एक अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, जब संगठन तय करेगा तब फिर और गिरफ्तारी देना होता देंगे, पर अभी नहीं। अभी जैसे आए हैं वैसे ही शांत अपने स्थानों पर पहुंचेंगे, भैरूलाल जी की जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके पश्चात आगे की रणनीति बन बनाएंगे। ठीक है, अब ये तय देखिए, ये हम तय नहीं कर सकते ना, अभी ये कोर्ट का मैटर होगा, इसलिए हमको संयमता रखना पड़ेगी। ठीक है, जय जय अंदर यार।